हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सोशल साइंस के नेक्स्ट पोर्शन या अगले पोर्शन, जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं. ओके, जिसको हिंदी में भूगोल भी कहा जाता है. और आज हम इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा होम प्लैनेट है, हमारा घर है. इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने घर के बारे में नहीं जानते हैं, आपके लिए वहाँ पर रहना, उसके साथ कनेक्ट करना, उसको यूटिलाइज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. या फिर कह सकते हैं कि हम उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं. दूसरी तरफ सोलर सिस्टम है, ठीक है. जैसे हमारा घर है, और घर कहाँ पर है अगर हमें ये भी नहीं पता होगा, या हमारे घर के आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जिसकी फैमिलियर हैं, जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है या नुकसान हो सकता है, या जिस जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं, अगर उनके बारे में नहीं जानेंगे तो भी हमारे लिए ये सही नहीं है, ठीक है. अगर सपोज दैट कि आपका घर है, काफ़ी मजबूत बना हुआ है, काफ़ी अच्छा घर है, ठीक है, लेकिन आपके आसपास के एरिया में क्या है. हो सकता है कि आपका जो एरिया है वो ऐसी जगह पर बना हो, या आपका जो घर है वो ऐसे एरिया में बना हो जहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं, तो आपके घर के मजबूत होने का कोई फ़ायदा नहीं है. आपने जितना भी मजबूत और खूबसूरत घर बनाया हो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना. इसी तरीके से क्या होता है कि हमारा जो होम प्लैनेट है, हमारा अर्थ है, उसके आसपास भी क्या चीज़ें हैं, वो कैसे हमें इफ़ेक्ट करती हैं, इन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी होता है. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक. लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक अर्थ और सोलर सिस्टम पर आए, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनको पढ़े बगैर पूरी तरीके से ये समझना कि अर्थ क्या है और सोलर सिस्टम क्या है, ये मुश्किल होगा, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के फर्स्ट टर्म या फर्स्ट पॉइंट से. ये है सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज, इनको हम हेवनली बॉडीज भी कह सकते हैं, ठीक है ना. इसका सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है ऐसी आकृतियाँ या ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं, यानी वो हमारे होम प्लैनेट, हमारे अर्थ का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहीं कहीं आसपास हमारे आस पड़ोस में हैं, जो हमें दिखाई देते हैं और किसी ना किसी तरीके से हमें इफ़ेक्ट करते हैं, लाइक सन, लाइक मून, ठीक है. तो आपको इजिली मैं समझाती हूँ कुछ पिक्चर्स के थ्रू सेलेस्टियल बॉडीज को. ये देखिए, दिन का वक्त है, हम लोग दिन में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं आसमान में, जैसे सूरज हो गया, ठीक है. ये क्या है, एक हेवनली बॉडी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें दिख तो रहा है लेकिन हमारे अर्थ पर नहीं है. ऐसे ही रात होती है, रात में भी बहुत सारे, दिन के बजाय रात में हमें बहुत सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर दिखाई देती हैं, जैसे सितारे हो गए, चांद हो गए, कई बार हमें कुछ चलती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं जिन्हें हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं. तो ये सब क्या है, ये सारे सेलेस्टियल बॉडी हैं, हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है, या आसमानी आकृतियाँ हैं जो हमारे आस पास में कहीं घूम रही हैं, हमारे आस पास में कहीं स्थित हैं और किसी ना किसी तरीके से हमें इफेक्ट कर रही हैं. हाँ, जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके दिमाग में भी वही चल रहा है. हमें तो एरोप्लेन्स भी दिखाई देते हैं, हमें तो हेलीकॉप्टर्स भी दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, चिड़िया वगैरह भी. तो क्या ये भी हेवनली बॉडीज हैं, ये भी तो आसमान में होती हैं? नहीं, ये हेवनली बॉडीज नहीं हैं. क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये किससे रिलेट करती हैं, हमारी अर्थ से रिलेट करती हैं, और हमने इनको भेजा है. जो हेवनली बॉडीज होती हैं वो ह्यूमन मेड नहीं होती हैं, यानी इंसान उनको नहीं बनाता है, वो अपनी जगह पर पहले से हैं, शायद इंसान के अस्तित्व में आने से पहले, लाखों करोड़ों साल से हैं. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको हम हेवनली बॉडीज नहीं कहेंगे, ओके.